आज होगी 12 तारीख और होटल सुविधा लेने का टाइम आ गया अपना। तो अभी अपन चलते हैं उल्लूवाटू टेम्पल जा रहे हैं यहाँ से। तो मैं अपना हॉस्टल जो हॉस्टल होटल नहीं हॉस्टल हॉस्टल का व्यू देता हूँ कुछ ऐसा था। इसमें ये बंक बेड होते हैं इस टाइप के। ये थोड़ा छोटा था पर इसमें 2 4 6 6 बंक बेड है, एक बाथरूम है। और ये कुछ एंट्री यहाँ से। तो इसका देखते स्कूटी कितने में देते हैं। मैंने बात तो करी थी कल रात को 50,000 के हिसाब से मुझे दे रहे 24 आवर के लिए स्कूटी। तो स्कूटी लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से ना। तो ये कुछ ऐसा पूल है। यार बाइक के लिए ढूंढ रहा हूँ, कोई बाइक मिल जाए यार। दिखी नहीं कहीं आसपास बाइक। एक दिखी थी बाइक और पैसे ज़्यादा मांग रहा था। तो देख रहा हूँ एयरपोर्ट के पास था यहाँ पर कोई मिल जाए बाइक, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी मैंने बाइकें देखी थी रेंट पे। मिले इन्होंने मुझे अभी रेंट पे स्कूटी दिलवाई है 50,000 पर डे के हिसाब से। तो क्योंकि 3 दिन के लिए बाइक ले रहा हूँ मैं, तो हो सकता है कि 4 दिन भी कवर कर जाऊँ। तो व्हाट इज योर नेम? जैन। जैन, जैन नाम है। और सम से समथिंग अबाउट बाली। टाइम या बा क्या था? क्या था बड़ी का बाली? हां बाली बाली व्हाट थिंग अबाउट बाली? ये ये व्हाट थिंग समझ में नहीं आ रहा। ठीक है तो बस अभी स्कूटी मंगवाई इनसे मैंने और ये स्कूटी लेके आ रहे हैं। जैसे नहीं कोई है साथ में आके। तो भाई पहुंच गए, करीब 1 घंटा लग गया कम से कम आने में। 50 मिनट से 1 घंटा करीब लगा है। तो बस अब चलते हैं घूमते पहले मतलब उल्लूवाटू टेम्पल पहुँचे हैं करीब 1 घंटा और दिखाते हैं कैसे है यहाँ का कुछ व्यू। भाई हल ज़्यादा बड़ा नहीं है, समुद्र आ गया पास में। तो पहुँच गया हमें कुछ अभी, जस्ट टिकट दिखाई एंटर हुए जब। तो बस थोड़ा कहीं जंगल सा आया कुछ, इसमें ऊपर चले जा रहे हैं देखते कुछ है क्या यहाँ पे। व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहे हैं यहाँ से भाई, बढ़िया एकदम व्यू आ रहे हैं। एक बार तो बनता है आने का यहाँ पे। तो भाई इसमें घूम लिया पर ऐसा कुछ दिखा नहीं खास खास ज़्यादा। पर इसमें कुछ ज़्यादा खास दिखा नहीं, बस चारों तरफ घूम रहे हैं और ऊपर एक मंदिर बना रखा है, उसमें भी एंट्री नहीं है। और समुद्र के बस कॉर्नर पे है जैसे ये मंदिर। चलते हैं एग्जिट पे, बस इतना ही हुआ, ज़्यादा कुछ लगा नहीं। ये है सबसे उसका हुआ टॉप का जो एकदम ऊपर ही सबसे ऊपर जाके। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, हो गया बस कुछ नहीं तो ऊपर गए और ऊपर जाके नीचे आगे ना मंदिर भी था खुला रहता, बस व्यू था खाली एक समुद्र का व्यू था और बस ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को ज़्यादा खास। आओ तो आओ किसी मर्जी मर्जी, मतलब कोई था नहीं पर कुछ खास इसमें। निकलते अब उबुद चलते हैं, अपना बैग उठाते हैं हॉस्टल से और वापस उबुद। यहाँ से 18 किलोमीटर हॉस्टल,
फिर वहाँ से 30-35 किलोमीटर ऊपर पड़ेगा शायद, 30 है या 25 किलोमीटर समथिंग है, तो चलते हैं। सो तो भाई अपने हॉस्टल वापस आ गए नुका बिचिन में, और नुका बिचिन से अपने बस जस्ट बैग उठाते हैं, उल्लोट टेम्पल से मैं यहाँ से आया नुका बिचिन, और नुका बिचिन से अपने अब चलते हैं उबुद। ठीक है, बैग लेते हैं यहाँ से और पेट्रोल भरा रहे हैं और कुछ ऐसी मशीन है। इतना कोई लिमिट का ऐसा होगा, सचिन यू बुक देवा या देर टू देवा मेबी आई चेक बुकिंग स्विंग द लोकेशन सेम दिस लोकेशन दिस वन Forest number 68. Yeah. Oh. तो फाइनली मैं हॉस्टल में एंटर कर गया हूँ, और हॉस्टल का कुछ रूम कुछ व्यू ऐसा है। मेरा ये ऊपर वाला देवा हॉस्टल नाम करके कुछ है, और यही मार्केट में मेन मार्केट में हॉस्टल ये है। तो बस अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं बाहर का। दो मेरे को करीब 2 घंटे जाने लगी, मैं 4:30 चला था वहाँ से, और मेरे 6:30 बजे यहाँ आते थे। रोड बहुत छोटे हैं यहाँ के, 60 फीट का रोड है, और दोनों रोडों पर गाड़ी आती जाती रहती है, सिंगल रोड मतलब कोई डिवाइडर नहीं, बीच में दोनों तरफ गाड़ी चलती रहती है एक साथ, और भीड़ रहती है, भयंकर जाम रहते हैं। तो करीब 2 घंटे लगे हैं, तो चलो चलते हैं बाहर और कुछ खाते पीते हैं। सुबह से सिर्फ फ्रूट खाया था और एक ब्रेकफास्ट किया था सुबह, और अब देखते हैं क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ से। और हाँ, इसका है 50,000 है आइडिया, तो मतलब करीब 350-400 रुपये करीब है, और 50,000 फॉर डिपॉजिट की के लिए, कि जब आप खाली करोगे या मतलब जब आप चेकआउट करोगे जो की दे के चल जाना वापस, तो पैसे मिल जाएंगे आपके 50,000 बाकी के। ठीक है, अब चलते हैं बाहर। ठीक है, और ये फ्रंट व्यू, और अपनी बाइक ये है जो अपन लेके आए थे। ठीक है, बहुत अच्छी बाइक है चलने में, और अब चलते हैं बाहर। तो बाहर के नज़ारे आपने देख लिए होंगे, थोड़ा और दिखा देता हूँ अच्छे से। अब बहुत क्राउड है बाहर, क्राउड है मतलब कितना क्राउड नहीं, पर क्राउड है।
मार्केट मार्केट दिस इज मार्केट आगे आगे तो भाई गजब लग रहा है एकदम, बल्कि टूटा का माहौल देख के और यहाँ का माहौल देख के मेरे को यहाँ का ज्यादा माहौल सही लगा, क्योंकि एक तो यहाँ क्राउड इतना नहीं है और छोटी मोटी कोई शॉप नहीं, सारी सारी की सारी ब्रांडेड शॉप है यहाँ, बहुत अच्छी शॉप है सारी। नो टैक्सी भाई मैं घूमता हूँ था जैसे स्कूटी ली मैंने और सर्च किया गूगल पे, तो गूगल पे मुझे मिला एक गणेश एक संस्कृति रेस्टोरेंट है कुछ करके हैं समथिंग, तो इंडियन रेस्टोरेंट है भाई। सब्जी कुछ ऐसी है जो अपन ने मंगाई है, जैसे रोटी मंगाई है और भिंडी मंगाई है, जैसे टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट आता है।